जीवन में सफलता के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस आत्मविश्वास को बनाने में माँ बाप और गुरुजन का बहुत योगदान होता है। छोटी छोटी कोशिशें हमारे आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ हमारे काबिलियत में भी निखार आता है। इसलिए लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटी छोटी कदम बढ़ाना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो के दौरान एक बाज का कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाज का एक बच्चा अभी अभी उड़ना शुरू किया था। वो अपनी इस सफलता को सभी को दिखाना चाह रहा था। इस सफलता की खुशी में वो नीचे टहल रहे एक सुअर को शिकार करना चाह रहा था। उसने माँ से कहा कि मैं इसका शिकार कर लूं, पर माँ ने कहा अभी तुम छोटे हो, सुअर का शिकार अभी रहने दो, बल्कि छोटे खरगोश से अपने शिकार की शुरुआत करो। छोटा सा बाज बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने अपने माँ की बात तुरंत मान लिया। बाज ने बड़ी कुशलतापूर्वक खरगोश का शिकार किया, जिसे देखकर माँ बहुत खुश हो गई। खरगोश के शिकार से बाज का आत्मविश्वास बढ़ गया था। एक दिन बाज ने फिर अपने माँ से कहा कि मैं सुअर का शिकार कर लूँ क्या, पर इस बार माँ ने भी सुअर के शिकार के लिए मना कर दिया। माँ ने कहा पहले एक बिल्ली का शिकार करना सीखो। बाज ने कुछ ही दिन में एक बिल्ली का शिकार करना सीख लिया। कुछ ही दिन बाद बाज ने माँ से फिर सुअर का शिकार करने के लिए पूछा, परंतु इस बार माँ ने शिकार करने में मना कर दिया। माँ ने कहा पहले एक छोटे से मेमने का शिकार करना सीख लो। हर बार की तरह इस बार भी माँ की बात मानकर कुछ ही दिन में मेमने का शिकार करने का एक्सपीरियंस बढ़ गया था उसका। फिर एक दिन वो छोटे बाज बड़े होने लगा। बाज अपनी शिकारी निगाह से सुअर को देख रहा था, तभी माँ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए शिकार का इशारा कर दिया। बाज ने सुअर की तरफ तेजी से झपट्टा मारा और थोड़ा मशक्कत के बाद सुअर का शिकार कर लिया, जिससे उसकी माँ काफी खुश हो गई। तो दोस्तों सोचिए, अगर माँ ने पहली बार ही उसे सुअर का शिकार के लिए कह देती तो क्या होता। नन्हा बच्चा अगर असफल होता, उसका आत्मविश्वास टूट जाता और दोबारा शिकार नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों माँ बाप का होना अपने जीवन में बहुत ही बड़ा अनिवार्य है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद KGT।